जुगनू क्यों नहीं आया? कुलसुम वो कहाँ चला गया? वही छोड़कर गया है। नादिया क्या मिठाई देकर आ रहा है। बहुत मुबारक हो आप सबको उसकी कामयाबी की। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। तुम्हारा भी तो बेटा है वो। भाई शानी के हर फंक्शन में तुम सबको आना है। अब आपस की नाराजगियां भुला देनी चाहिए। जो कुछ हुआ बुरा ही हुआ। आप फिक्र नहीं करें, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह सजीला के लिए भी कोई बहुत अच्छा सबक देगा। शानी की जिंदगी में अगर शांजे ना आई होती, सजीला का नसीब मेरे ही घर में लिखा होता। आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये सब फैसले तो अल्लाह की तरफ से किए गए हैं। अल्लाह ने जो हमारे बच्चों के नसीब में लिख दिया है, उसी में उनकी बेहतरी होगी। बेशक। ये सजीला क्या मुझसे नाराज है? अंदर ही बैठ गई। नहीं, आती है अभी। क्यों नाराज हो गया आपसे? अल्लाह इन सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। और बताइए। हावर 2 मिनट के लिए अपना फोन छोड़ेंगे? मुझे आपसे बात करनी है। करो बात, सुन रहा हूं। आप अपना सीवी मुझे या शानी को व्हाट्सएप कर दें प्लीज। सीवी अब खैरियत? वो मैंने शानी से बात की है ना आपकी जॉब के लिए। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? इसलिए तो सीवी मांग रहा है। आप देखिएगा, कोई ना कोई सबब जरूर बन जाएगा इंशाल्लाह। सबब मतलब वो मुझे अपने ऑफिस में पीएन लगवा देगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा खबर। उसे कहो मुझे उसके एहसान की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगा। एहसान की क्या बात है, फर्ज है, उसका भाई है मेरा। वो नहीं मुश्किल वक्त में काम आएगा हमारे, तो और कौन आएगा? एक तो आइंदा तुमने अपनी मुश्किलात की दुहाई उसके सामने नहीं देनी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि अगर उसने कुछ करना होता ना तो वो कर देता, ये सीवी वीवी के बहाने ना करता। सीवी तो आपको देनी पड़ेगी खबर, वही देख के तो फिर वो फैसला करेंगे कि आपको कहाँ एडजस्ट करें जॉब में। जैसे उसकी खुद की एडजस्टमेंट तो उसकी सीवी के जरिए हुई है, सब पता है मुझे। बस मैंने फैसला कर लिया कि नौकरी नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा। अपना काम करेंगे? हाँ, इसमें किसको इतराज है? नहीं, लेकिन अपना काम कैसे शुरू करेंगे आप? उसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कम से कम तुमसे या तुम्हारे भाई से मदद नहीं मांगूंगा, खुद ही करूंगा जो करना है। भाई आप
बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। ये लो, ये भी तुम्हारे लिए। मुझे तो लगा कि सिर्फ शानजे आप ही ने मुझे बुलाया, मगर आप भी। Now make it a habit, इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहना। तुमने भाई को ना बताकर सरप्राइज दिया और भाई ने तुम्हारे लिए सब करके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बैठो। And it's also for you. Oh. खावर कहाँ है? बता के नहीं गए। सुबह से घर से निकला हुआ है, तुमने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहा है? नहीं, मैंने फोन किया था, उन्होंने मैसेज कर दिया कि बिजी हैं। कहाँ बिजी है, पूछना तो था तुमने। आंटी मेरा फोन उठाते तो मैं कुछ पूछती ना, आपको बता के नहीं गए। मुझे अगर बता के जाता तो मेरा दिमाग खराब था कि मैं तुम्हारे पास पूछने आती। लगा होगा मेरा बच्चा रोजगार की तलाश में। तुम्हारे भाई की मेहरबानी है, मेरे बच्चे को नौकरी दिलवा देता तो यूं दर बदर की ठोकरे तो न खा रहा होता। लेकिन उसको क्या परवाह, जिसका दर्द वो ही जाने। शानी ने कहा था खावर को कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, पर खावर ने मना कर दिया था। बताया था मुझे खावर ने, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अगर शानी इतना ही सीरियस होता ना नौकरी दिलवाने के लिए तो यूं डॉक्यूमेंट्स ना मांगता। डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं मिलती नौकरी। अच्छा रहने दो, मैंने भी दुनिया देखी है, मुझे पता है कि तुम्हारे भाई की कितनी पहुंच है। अरे उसकी एक आवाज में मेरे बेटे को घर बैठे नौकरी मिल जाती। अच्छा प्लीज आंटी, अब आप एक काम करिएगा, खावर आए ना तो उनको कहिएगा कि प्लीज शानी को अपनी सीवी दे दें, ग्रेजुएशन तो की हुई है ना उन्होंने, आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएशन? क्या हावर ने तुम्हें कहा है कि वो ग्रेजुएट है? जी। उससे ग्रेजुएट की स्पेलिंग तो पूछ लेना, अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें। ग्रेजुएशन।